नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको किसी CSC सेंटर पर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की मदद से अपना या फिर किसी का भी चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको अपने स्टेट का नाम डाल देना है। जैसे कि आप यूपी का बना रहे हैं तो यहां पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूपी लिख देना है, और अगर आप महाराष्ट्र, MP या गुजरात कहीं से भी बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम डाल देना है। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूपी। तो सिंपली आपको इसको सर्च कर लेना है। इसको सर्च कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं uppolice.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने किसी अदर स्टेट को सर्च किया हुआ है तो यहाँ पर आपके स्टेट की ही वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं uppolice.gov.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिटीजन सर्विसेज, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे, जैसे कि कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, EFIR, VUFIR, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, टैलेंट PG वेरिफिकेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खोल करके आ जाएगा, उस पॉपअप को आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने एक और नई विंडो खोल करके आ जाएगी, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डालने के लिए बोला जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आप पहली बार अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आपने पहले कभी भी अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर नहीं बनाई है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है। तो लॉगिन आईडी किस प्रकार से बनानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया उपयोगकर्ता बनाएं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम अगर कोई है तो यहाँ पर आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है, फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों आपकी जो लॉगिन आईडी होगी वो लॉगिन आईडी बन जाएगी। अब फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी आईडी बनाई हुई थी वो यूज़र नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। यूज़र नेम डाल देने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है, जो भी आपने अपना नया पासवर्ड बनाया हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी में सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं, और अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खोल करके आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनहित गारंटी अधिनियम, तो सिंपली आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप थर्ड नंबर पर देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, यहाँ पर आप अपना कर्जर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खोल करके आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुरोध के लिए, यहाँ पर आप सामान्य व्यक्ति हैं या फिर किसी चीज़ के ठेकेदार हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डाल देने के बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। लास्ट नेम डाल देने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेवा के लागू करने के लिए प्रायोजन,
यहाँ पर आप करेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर CSC सेंटर, तो यहाँ पर आप जिस भी काम के लिए अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राप्त की विधि, आप किस प्रकार से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट को प्राप्त करना चाहते हैं, डाक द्वारा, व्यक्तिगत द्वारा या फिर वायरलेस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंध का प्रकार, तो यहाँ पर आपको पिता, माँ, अभिभावक, पति या पत्नी को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर पिता सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, मतलब कि यहाँ पर आपने पिता सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। पिताजी का नाम डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुरोधकर्ता फोटो, यहाँ पर दोस्तों आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रख सकते फाइल का प्रकार, यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज फोटो का जो फॉर्मेट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JPG, GIF डॉक्यूमेंट्स या फिर DOX या फिर PDF या फिर टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए या एक्सेल या फिर XLS फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। अगर JPEG फॉर्मेट में अगर आपकी फाइल होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं की जाएगी। और जो कि फाइल का आकार, जो कि फाइल का साइज होगा वो 200 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फाइल का प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर फाइल का उप प्रकार भी यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप संचिका विवरण में फोटो डाल देना है। फोटो डाल देने के बाद आपको अपलोड करें पर क्लिक कर देना है। अपलोड करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फाइल का नाम आ जाएगा, फाइल का आकार आ जाएगा, फाइल का प्रकार आ जाएगा, फाइल उप प्रकार आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब बंद करें पर क्लिक कर देना है। बंद करें पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र पैनल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर आपका जन्म का वर्ष आ जाएगा, यहाँ पर आपकी जो आयु है, कितने यहाँ पर एज हो चुकी है और कितने मंथ के आप हो चुके हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो आवेदक विवरण है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पता, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस कम्प्लीटली फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ग्राम, नगर, शहर, तो यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो राज्य है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा, और यहाँ पर देश जो है आपका ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन का चयन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं रहने की अवधि, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कितने वर्ष आपको यहाँ पर हो चुके हैं, कितने महीने हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। रहने की अवधि फिल कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थायी के लिए भी, अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, और अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो नहीं पर क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो एड्रेस होगा वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड है। अगर आपका रिकॉर्ड है तो हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, उसको टाइप कर देना है। और अगर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्म में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जमा करें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जमा करें पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू rajkosh.up.nic.in, यहाँ पर योर चालान नंबर, आपका जो चालान नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, यहाँ पर आपका जो चालान नंबर है तो इस चालान नंबर को आपको लिख लेना है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टू कंटिन्यू प्रोसीज टू नेट पेमेंट टू अबाउट प्रेस कैंसिल बटन, यहाँ पर दोस्तों आपका जो कम्प्लीटली फॉर्म है ये अभी कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट यहाँ पर करना है, उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली फिल हो पाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में आपको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ई पेमेंट, यहाँ पर दोस्तों आपका जो यूजर नेम है उसमें NA आ जाएगा, डिपॉजिटर नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो चालान नंबर हो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, चालान डेट यहाँ पर शो हो जाएगा, एड्रेस अगर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आ जाएगा और टैक्स पीरियड यहाँ पर आ जाएगा,
और यहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो भी शो हो जाएगा। आपका जो अमाउंट ऑफ चालान होगा वो यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी यहाँ पर आपका जो कम्प्लीटली फॉर्म होगा वो फिल हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड विद नेट पेमेंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप SBI ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आप UPI करना चाहते हैं तो UPI यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए UPI पर क्लिक कर देना है। UPI पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल्स यहां पर शो हो जाएगी। इसके बाद में यहां पर आप किस तरीके से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, QR कोड के जरिए करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर QR कोड डाल देता हूं। इसके बाद में आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसका 50 रुपये का पेमेंट कर देना है। तो मैं यहां पर इसका 50 रुपये का जो पेमेंट है उस पेमेंट को यहां पर कर देता हूं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ पर जो मेरा जो 50 रुपये का ट्रांजैक्शन था वो मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से दोस्तों आपको रिडायरेक्ट नहीं किया जाता है, आपको लॉग आउट कर दिया जाता है, पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। इसके बाद में आपको किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकालना है और किस प्रकार से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है UPCOP। UPCOP लिख करके आपको सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं UPCOP का आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने लॉगिन पेज खोल करके आ जाएगा जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और लॉगिन वीआ OTP पर क्लिक करके OTP डाल करके इसको लॉगिन कर लेना है, या फिर आप अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन वीआ पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन ID पासवर्ड डाल देने के बाद आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च और एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सिलेक्ट कर देने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन स्टेटस और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ था, पर एक बार जो मेरा पेमेंट है वो डिक्लाइन हो गया था, पेमेंट नहीं हो पाया था, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भुगतान के लिए लंबित, और यहाँ पर एक बार मेरा कम्प्लीटली फिल हो चुका था जिसमें कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने एक PDF खोल करके आ जाएगी, तो इस PDF को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने इस फॉर्म को फिलअप किया हुआ था वहाँ का नाम यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, और इसमें आपकी सारी डिटेल्स शो होकर के आ जाएंगी, जैसे कि रिक्वेस्ट टाइप, रिक्वेस्ट नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, सबमिट टू और करंट स्टेटस यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थाना पर दिनांक इतने इतने को प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेंडिंग में दिखा रहा है। जैसे दोस्तों सभी जगह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने टिक मार्क लग करके आ जाएगा, और किसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह आ जाएगा, और अप्रूव्ड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड का साइन आ जाएगा। जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस, यहाँ पर मेरा अभी प्रोसेस में अटका हुआ है इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो पेंडिंग में दिखा रहे हैं इनको अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और इसी प्रकार से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।